कार मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के उपाध्यक्ष मार्केटिंग श्री संजीव हांडा ने जानकारी देते हुए बताया कि मनाली से शुरू हुई मारुति सुजुकी रेड दी हिमालया 170 से अधिक प्रति योगी 1850 किलोमीटर का फासला तय करेंगे। अग्रणी यात्री वाहन विनिर्माण कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने मारुति सुजुकी रेड दी हिमालया के 19वें संस्करण को मनाली से रवाना किया। ये दुनिया की सबसे ऊंची एरिना रैली है। 170 से अधिक मोटर स्पोर्ट्स प्रेमी 110 टीमों में इस रैली में भाग ले रहे हैं। इस रैली का समापन ले में 14 अक्टूबर को पुरस्कार वितरण समारोह के साथ होगा। ये रैली 17,500 फीट की अत्यधिक ऊंचाई पर हो रही है, जहां तापमान 0 से 15 डिग्री सेल्सियस नीचे तक जा सकता है। ये रैली काजा, सरचू, पेंग, ले, कारगिल और पेंसी लासी होकर गुजरेगी। इस मौके पर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के उपाध्यक्ष मार्केटिंग श्री संजीव हांडा ने कहा कि जोश और चुनौतियां देने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम रहते हुए बहुत धूमधाम के साथ ये और जोशीले सफर को रवाना किया है। दुनिया की 10 ये रैली भारत में एक प्रतिष्ठित मोटर स्पोर्ट्स के आयोजन के रूप में विकसित हुई है। सन 1999 में ये एक छोटी सी रैली केवल 19 टीमों के साथ शुरू हुई थी। तब से अब तक ये बहुत लंबा सफर तय कर रहा है। आज इसमें 110 टीमें भाग ले रही है, जिनमें 170 से ज्यादा प्रतियोगी शामिल हैं, जो कि भारतीय मोटर रैली के इतिहास में सबसे प्रतिष्ठित खिताब के लिए मुकाबला करेंगे। पिछले साल टीम मारुति सुजुकी मोटरस्पोर्ट्स ने खिताब जीता था, जिसमें चालक सुरेश राणा और शेष चालक पीवीएस मूर्ति थे। ये टीम इस साल अपनी ग्रैंड विटारा में अपने खिताब को बचाने उतरी है। इनके अलावा संदीप शर्मा व करण आर्या अपनी एस क्रॉस में, हरि कृष्णन व दिनेश धनखड़ अपने इग्निस में, धर्मपाल जागड़ा और थिनलेस नामगेल अपनी विटारा ब्रिजा में और सम्राट यादव व एस एन निजामी मारुति जिप्सी में इस रैली में। मैम, बहुत कठिन रैली है, कितना बड़ा चुनौती मांग के, कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए? डेफिनेटली बहुत बड़ा चैलेंज, मेरा दूसरा साल है और इस हिमालय में। तो पिछला साल मेरा बाइक क्रॉस किया था एक पहले भी, तो इस साल सीरियसली मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो सर डेफिनेटली हेल्प करने के लिए पहली बार ये गाड़ी जो रैली जो थे से उसे कारगिल तक जाने वाली है। हाँ। आपको पता है कि रैली बहुत ही रोमांचक होगा ये। हाँ, बहुत ही ये रैली का टैग लाइन ही वही है। ये 19वीं एडिशन है रेड्डी हिमालय की। 1999 में हमने इवेंट शुरू किया, 19 साल और गया, हर साल हमने ये इवेंट चलाया और इस साल पार्टिसिपेशन जो है एक्सट्रीम में 24 गाड़ियाँ हैं जी, एक्सट्रीम फोर व्हीलर में 53 बाइक्स हैं, बाइक्स एंड स्कूटर और एडवेंचर ट्रायल सेक्शन के अंदर 52 गाड़ियों का। तो थोड़ी सी पिछले सालों से ड्रॉप है फॉर वेरियस रीजन, कोई फाइनेंशियल रीजन बोलते हैं बताते हैं, बट वट एवर ऑल एंड ऑल समझिए आप करीब 300 कॉम्पिटिटर स्टेजेस में होंगे कल से। और रीजन जिस जिस रीजन से आए हैं मतलब एज फार एज बैंगलोर, मद्रास से, आइजोल से, डिब्रूगढ़ से, सो लगभग एज एवरी ईयर जो गैदरिंग है वो पूरी ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन है। आर्मी की टीम है, स्ट्रॉन्ग टीम ऑफ 80 मेंबर्स और मारुति सुजुकी ने उनको सुनाई है, उनके 5 गाड़ी हैं, काफ़ी कॉम्पिटिटिव सेटअप है। 80 हिमालय को टफेस्ट रैली कहा जाता है क्योंकि इसी हमारे जो जिस ट्रेन में रैली चलती है इसके कई बड़े टिपिकल
पॉइंट्स हैं, एक तो हाई ऑल्टीट्यूड, हाई ऑल्टीट्यूड के साथ कोल्ड टेम्परेचर्स और ब्रीथिंग इशू आते हैं, सारी ग्राफिक रेंज है, बहुत कम टारमैक एरिया जो बहुत बढ़िया स्मूथ है, बाकी एक्सट्रीमली ग्राफिक एरिया। तो जो भी पार्टिसिपेंट आता है उसको अपने आप को फिजिकली एंड मेंटली तैयार करना पड़ता है, सिमिलरली गाड़ी को भी बनाना पड़ता है जो ऐसी चैलेंजेस को बर्दाश्त कर सकते। छः दिन लॉन्ग आवर्स ऑफ राइडिंग एंड रेसिंग, यू गिव दिस एलिमेंट टू आवर इवेंट विच इज द टफेस्ट रैली इन कंट्री एम्पायर। सर, कितने रेंज तक रैली चलेगी और कितना किलोमीटर कवर करेगी और कौन कौन से एरियाज में पार्टिसिपेंट्स दौड़ेंगे? रैली 6 दिन की है, इसके अलावा 2 दिन चेकअप के लिए थे गाड़ियों की सेफ्टी चेकिंग के लिए और 1 दिन प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का एंड में हैंड ओवर के लिए। तो द रैली विल बी रनिंग इन स्पिति, स्मॉल सेक्शन ऑफ लद्दाख एंड देन टू कारगिल एरिया एंड संस्कार। तो बाकी हम स्पिति में 2 दिन के लिए क्योंकि संस्कार भी कवर करना चाहते थे, आज तक हमने कभी स्पिति और संस्कार इकट्ठे नहीं कवर कर पाए, यू नो सेक्टर जितने दूर हैं दोनों में से एक में चूज करना पड़ता था, बट समाज मैनेज टू स्टेज रूट विच अलाउ। और संजय राठी एंड टिंडा से, और मेरे साथ पहले के गंगानगर से। पहली बार सर, बहुत कठिन रैली है, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप इसको? बड़ी चुनौती है लेकिन हौसले बुलंद। आज तो आप दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, आपकी गाड़ी के साथ आप लोग बहुत ही जग रहे हैं, बिल्कुल तैयार होंगे। क्या लगता है आप लोगों को होने वाला 11? Is he going to win the 11th time the 90 Rishabh Raider Raya? Let's see. We will start the flag over the next 5 rounds. 5, 4, 3, 2, 1. Here we go. Card number 1 in X-treme category.